नमस्कार, स्वदेशी उपचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानते हैं यदि हड्डियों से कटकट की आवाज आती है तो हमें क्या खाना चाहिए। मित्रों, हड्डियां भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे शरीर का सारा ढांचा इन हड्डियों के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर यह मजबूत नहीं होगा तो हमारा सारा शरीर कमजोर होगा और हम किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके मजबूती के लिए अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जब हमारे हड्डियों में ग्रीस की कमी हो जाती है तो हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है। सबसे पहले हमें बहुत अत्यधिक परिश्रम करना नहीं चाहिए, अधिक देर तक खड़ा नहीं रहना चाहिए। कुछ घरेलू उपाय भी हैं। अखरोट, इनकी 2-4 गिरियां रात को भिगोकर सुबह खाने से बहुत लाभ होता है। बादाम को भिगोकर सुबह खाली पेट उसका छिलका उतार कर खाने से हड्डियां मजबूत होती है। दूध भी कैल्शियम का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगर हम देसी गाय का रोजाना दूध पीते हैं तो इससे हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा पूरी हो जाती है और कटकट की आवाज नहीं आती है। हमें गाय का घी भी सेवन करना चाहिए, यह हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। अलसी, तीसी भी बोलते हैं इसे, को भून कर उसका पाउडर बनाकर अगर रोजाना एक चम्मच सुबह सुबह खाया जाए तो यह भी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तिल के तेल से रोजाना मालिश करने पर हड्डियां मजबूत होती हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना भी हड्डियों के लिए अति आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा यदि समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क करें और उचित इलाज करवाएं। धन्यवाद। ऐसे ही स्वास्थ्यप्रद जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।